चोरी की घटनाओं से मेजा में हाय तौबा, चोरों ने महिला को मारी गोली। जनपद प्रयागराज के मेजा पुलिस की नाकामी से चोर बेखौफ हो गए हैं। एक महीने में चोरी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। चोरों ने लगातार दो अधिवक्ताओं के घर से नकदी और जेवर मिलाकर करीब 50 लाख की चोरी हुई है। महीने भर में हुई एक दर्जन चोरी से करोड़ों रुपए का वारान्यारा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार मेजा क्षेत्र के कठौली गांव के अधिवक्ता मुकेश पांडे के घर में छत के रास्ते चोर घुस गए। कमरों का दरवाजा बाहर से बंद कर चोरों ने घर से 4 लाख नकदी व करीब 3.5 लाख के जेवर पर हाथ मार दिया। करीब 2:30 बजे लघु शंका को उठे तो हालात देखकर सन रह गए। देखा तो नकदी और जेवर गायब थे। इसके पूर्व पास के गांव के अधिवक्ता जीसी द्विवेदी के घर से लगभग 40 लाख के जेवर चोर उठा ले गए। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय ने पीड़ित अधिवक्ता से जानकारी ली। एसओजी ने भी पहुंचकर मौका मुआयना किया। अधिवक्ता ने बताया कि किसी जमीन के बैनामे के लिए घर में 4 लाख नकदी था, वह चोर उठा ले गए। वही मेजा क्षेत्र के ही वेदौली गांव के राजेंद्र पटेल के घर चोर पीछे दरवाजे से छत के रास्ते अंदर घुसे थे। खटपट सुनकर राजेंद्र की बहू राधा कमरे से बाहर निकली। चोरों को देखकर वह चीखने लगी। चोरों ने उस पर रॉड से प्रहार कर दिया, फिर भी वह चोरों से भिड़ गई। चोर ने कट्टे से फायर कर दिए, जिसका एक छर्रा महिला के आंख के ऊपर लग गया। उसे घायल देख चोर भाग निकले। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर से 10,000 नकदी के साथ करीब 40,000 के चांदी के जेवर चोर ले गए। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की मांग की है। घायल राधा को CHC रामनगर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर रेफर कर दिया है। बता दें कि महीने के भीतर मटेही गांव में 72 लाख की चोरी, लखनपुर में एक दुकान व दो घरों में लाखों की चोरी, उर्वा कोठा अमिलिया में लाखों रुपए की चोरी हो चुकी है। पुलिस किसी का खुलासा नहीं कर पाई है। लोगों में आक्रोश व्याप्त है।